मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लागू हुए लव जिहाद कानून को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून प्यार या अंतर्राज्यीय विवाह के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह जाति और धर्म छुपाकर शादी के नाम पर धोखे के खिलाफ है। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने लव जिहाद का दंश झेला है। यह कानून ऐसे पीड़ितों के लिए सहायक साबित होगा। अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए भोपाल आई अभिनेत्री ने यह बात शनिवार को फिल्म के मुहूर्त के मौके पर कही। सदर मंजिल में आयोजित मुहूर्त के मौके पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की शूटिंग भोपाल में शुरू हो गई है। इस मौके पर एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने फिल्म से जुड़े लोगों को गमछा भेंट किया। फिल्म की शूटिंग भोपाल, पचमढ़ी और सारणी में करीब 2 माह चलेगी और शनिवार को फिल्म में कुछ सीन भोपाल में फिल्माए गए। देश में बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रही दुष्कर्म समेत अन्य आपराधिक वारदातों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कंगना का कहना था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सऊदी जैसे कानून की जरूरत है, कानून को और सशक्त करना पड़ेगा। लव जिहाद पर उन्होंने कहा कि यह कानून प्यार या अंतर्राज्यीय विवाह के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह जाति और धर्म छुपाकर शादी के नाम पर धोखा देने वालों के खिलाफ है। देखिए, मैं तो मेरे बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विचार हैं और मुझे लगता है बहुत सारे लोग सहमत भी नहीं करते हैं और फिर उस करके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा तो प्रोत्साहन मिलता है कि जो हमारा बहुत ही जो दखियानों से और पुराना जो लॉ सिस्टम है जिसमें कि चीज़ें फाइल में जाती जाती हैं, फिर चलती ही जाती हैं और कई सालों तक जो है लग जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो विक्टिम होता है उसकी जो हैरेसमेंट लॉ और पुलिस करती है। क्योंकि जब भी आप किसी पे कोई भी आरोप लगाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन यू। तो फिर जो बच्चियों का जो शोषण होता है कि कहाँ थाई पे हाथ लगाया था या घुटने पे था कि कंधे पे था या ब्रेस्ट, वो जो पूरा कई सालों दर सालों आपको ये चीज़ प्रूव करते हुए, उसमें क्या है आधे से ज़्यादा लोग बचते हैं पुलिस में कंप्लेंट करने से, तो कई आरोपी निकल जाते हैं और आधे से ज़्यादा जिनको पनिशमेंट मिलती भी है एक माइंड एक बिल्कुल जैसे कि मुझे लगता है कई देश हैं हमने देखे हैं सऊदी वगैरह में सीधा उनको चौराहों पे लटका देते हैं। मुझे तो लगता है इस तरह के जब तक हम 5-6 एग्जाम्पल्स खासकर जो गैंग रेप्स होते हैं सेट नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो अभी तो मुझे लगता है लोग जो है किसी भी चीज़ की कुंदन निकालने के लिए छोटे मोटे अगर प्रेम प्रसंग भी टूटा हो उसके लिए भी ऐसे हरकतें करते रहते हैं बिकॉज इट्स सो इजी टू गेट अवे। आज हुए शूट में एक घर के दृश्य फिल्माए गए जिसमें कंगना जाती हैं और वहाँ एक बच्ची भी है। भोपाल में शूटिंग का शेड्यूल 25 जनवरी तक है। इसके बाद फिल्म पचमढ़ी और सारणी में शूट की जाएंगे और मध्य प्रदेश में शूटिंग पूरी होने के बाद थाईलैंड में भी कुछ दृश्य फिल्माए जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।